हाय गाइस, दिस इज गुरप्रीत एंड वेलकम बैक। आज के व्लॉग में सत श्री अकाल। ऐसा कुछ मैं अपने व्लॉग्स में बोलता हूँ, व्लॉग नहीं है, ये तो एक छोटी सी वीडियो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बनानी है। कई बिलीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, कई नहीं करते हैं। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने हमीश मैदान के मतलब इंटरव्यू में, जब वो संदीप ऐश्वरी के शो में आए थे ना, तो मैंने सुना था, वो कह रहे थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट उसमें भी एक एक्शन छुपा है, द एक्शन पार्ट इज मेन इम्पोर्टेंट इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अभी यहाँ पे हुई थी बारिश, तो आए जी कुछ व्यू एंड बाकी चलते चलते बातें करते हैं। तो शॉर्ट में बता दूँ, मैं कस्टमर्स को लेके आया था शिलारू में, यहाँ नारकंडा हिमाचल में, ठीक है। उनका ट्रिप था एक दो दिन का, उनको कोई काम था, एथलीट थे, उन्होंने बेसिकली ये देखना था यहाँ पे रनिंग वगैरह के लिए ग्राउंड सही है या नहीं, फिर एक दो महीने रहना है। वो अपना फंडा नहीं है, अपना फंडा ये है कि जो मैंने टारगेट रखे हुए थे कि शिमला, कुफरी और ये फलाना ढिमकाना घूमने हैं, वही मैं चीज़ ट्रैवल कर रहा हूँ, और वो भी साथ में पैसे भी कमा रहा हूँ, अर्निंग भी कर रहा हूँ और साथ में घूम भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे आई लव जस्ट पहाड़, आई जस्ट डीप विद इन आई लव इट। मैं ना बड़ा ही ज़्यादा मैं उनकी दसा थोनू, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है पहाड़ घूमने का, और यहाँ पे जो पीसफुल माहौल होता है ना, शांति, वो एक नंबर, उस वजह से ही आता हूँ मैं। और वाकई मैनिफेस्ट चीज़ें होती हैं, और मैं तो ऐसे करता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करके आगे बड़े बड़े टारगेट हैं वो भी मैनिफेस्ट करने हैं। और ये है छोटी सी वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, यानी कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। आगे भी और चीज़ें हैं गोल्स में, वो मैं वीडियोस पे रिवील नहीं करना चाहता, वो अपनी डायरी पे मैं लिखता हूँ, वो जब होते जाएंगे ना तब आपको व्लॉग में बताता जाऊँगा। लो भाई देख लो, उसके बाद अब कुफरी शिलारू जाके चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से फिर कुल्लू मनाली भी गया, वो व्लॉग में देख लेना। और उसके बाद फिर कुफरी आ गया, अभी कल आया था, होटल में रात रुके थे, वो व्लॉग में देखना, ठीक है। ये कुफरी है, कुफरी इधर से आए थे शिमला और ऊपर गए हैं कस्टमर हॉर्स राइडिंग करने, मैं यहाँ कार में वेट कर रहा हूँ। कस्टमर बहुत ही कोऑपरेटिव थे, पंजाबी सी अपने अमृतसर, तो कह रहे कि मतलब वधिया, होटल की तरफ से खाना पीना तो फ्री होता ही होता है ड्राइवर्स का, और 500 कस्टमर ने भी दिया कि कुछ खा पी लेना कुछ ऐसे वैसे, और कैब जिसकी चलाता हूँ वो भी पैसे होंगे, अर्निंग भी होगी और साथ में ड्रीम प्लेसेस पे घूम भी रहा हूँ। तो इस यार कुछ मैजिक बड़ा वो नहीं है, मैजिक सिंपल यार, यहाँ पे जो सोचोगे ना, सोचते जाओगे वो होता जाएगा, और नेगेटिव भी बहुत होता है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा, यही नहीं कि बस पॉजिटिव भी बताता जाऊँ, बहुत नेगेटिव होता है भाई, ध्यान से इसके अंदर कभी भी पकड़ मत लेना, कोई नेगेटिव बिलीफ नोशन अपना, कोई आइडिया इतना स्ट्रांगली मत पकड़ लेना कि उसको, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं साले, और क्या, जिंदगी के लग जाते हैं फिर। सही है, सही, जितना मैं ज़्यादा अब सोचता हूँ कि पॉजिटिव सोचूँ, पॉजिटिव तरीके, जो चीज़ें चाहिए उस पर फोकस करूँ, जो करना है यार, सिंपल सी छोटी सी जिंदगी है, जी के परा मारो पै दिल, इसलिए तो फिर यार अच्छा अच्छा सोचो ता करके जिंदगी जी के जाओ। तो एंड आई बिलीव, मैं क्योंकि प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ, आई बिलीव, आई स्ट्रांगली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन द दिस द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के। हाँ यार, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी ट्रांसप्लांट भैंस की आँख प्लांट करते जाओगे ना, जो भी सोचोगे वो अंदर बैठता जाएगा माइंड में, फिर वैसी चीज़ें बाहर दिखती हैं। जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट लगा लो, कोई साइंस स्टूडेंट है, तो उसको इसका मतलब जो भी चीज़ है वो अटोमिक लेवल पे देखेगा, सब अटोमिक लेवल पे देखेगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेगा, वो चीज़ें देखेगा, और साइंस फिजिक्स कैसे काम करती है, ये चीज़ें कैसे व्हील उड़े परे पुराना टिमकाना, ये मशीन कैसे काम करती है, वो टेक्निक उसका माइंड होगा तो वैसे ही सोचेगा। और जो स्पिरिचुअल होगा वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ से सभी को लेकर सोचेगा, कैसे मतलब आदमी जा रहा है और तारी है, और सोचेगा वाह उसमें भी एक अलग रूह है, और वो कुछ लिख डालेगा, कोई सिंगर है लिखारी है लिखने वाला, वो यहीं लिख देगा कि भाई मिठी मिठी हवा पैंदी पीसी फलाना ढिकाना ये वो।
तो यहाँ पे जो चश्मा लगाओगे ना, पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका नजरिया होगा वही दिखेगा। बस यार सिंपल जी गल है, जिंदगी जियो तो जाओ। एंड यस, अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे डाउट है तो नीचे कमेंट्स में बता दो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मैं तो मैनिफेस्ट करता हूँ। एंड दैट्स इट। कुल्लू मनाली भी हो या इधर भी, अटल टनल और भी जाएंगे पता नहीं कहाँ पे, वो ट्रैवल शेयर करता रहूँगा मैं अपने व्लॉग्स में। एंड अलग से भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियो इससे छोटी छोटी बनाता रहूँगा। दैट्स इट, बाय बाय, गुड लक, गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग, कीप राइजिंग, बाय बाय।